भी इकट्ठा होंगे। भाई दूज के अवसर पर बहनों ने भाइयों की दीर्घायु के लिए भगवान गोधन की पूजा कर भाइयों को मिठाई चना सुपारी खिलाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर उनकी दीर्घायु की कामना की। ऐसी मान्यता है कि बहनें निर्जल व्रत रहकर गोबर से भगवान गोवर्धन की कलाकृति बनाकर गोधन कूट कर इस परंपरा का सदियों से निर्वहन करती चली आ रही है। संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए व्रती बहनों ने बताया, ये भाई बहन का त्यौहार है। ये भाई अपने गोधन बाबा का पूजा करती है और भाई ये चना ये कूटती है, अपने भाई को ले जाके खिलाती है, भाई उसके घर आता है खाता है। यही मान्यता है, भाई बहन का प्यार है, त्यौहार है और हर बहन इसका व्रत करती है। ये दीपावली के तीसरे दिन पड़ता है। इसमें ये है कि अपना बहन लोग चना हुआ पूजा मिठाई अच्छा से अच्छा अपना मिठाई लाती हैं चढ़ाती हैं गोधन महाराज को, और फिर जो सुपारी चने के साथ कूटा जाता है वो अपने घर ले जाती हैं, भाई को खिलाती हैं मिठाई खिलाती हैं और अपना अच्छा से अच्छा खाना बनता है अपना। इसमें बेबी फारा का भी नियम है, बेबी फारा बनता है हर घरों में, और फिर बहन लोग अपने भाई को खिलाती हैं, उसके बाद से अपने पानी पीती हैं, सुबह से वो मेरा जल करती हैं। और इस व्रत में भाई लोग बहन के घर भी जाते हैं और भाई बहन भी अपने भाई के घर जाती हैं, और बहन के घर जाने पे बहन अच्छा से अच्छा अपना पकवान बनाती है अपने भाई को खिलाती है। भाई बहुत आशीर्वाद देता है और फलते फूलते हैं, बहन जो आशीर्वाद देती है। और ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, हर बहन को भाई दे।